गाइज, इस वीडियो के अंदर हम फेसबुक ग्रुप के बारे में बात करने वाले हैं और मैं एक ऐसी सिंपल ट्रिक आपको यहाँ बताने वाला हूँ जिसके चलते आपका जब भी कोई आपके ग्रुप को ज्वाइन करेगा मेंबर, तो उसके पास में अदर ग्रुप की रिकमेंडेशन भी आएगी एंड अदर ग्रुप को जब कोई भी मेंबर आपका ज्वाइन करेगा तो आपका ग्रुप भी वहाँ दिखाई देगा। ठीक है, मतलब कुल मिला के बात कहूँ तो आपको फेसबुक ग्रुप के रिकमेंडेशन में आपका ग्रुप कैसे जाएगा, मतलब फेसबुक के ऊपर ऑटोमेटिकली जो है वो ग्रुप जब ग्रो होंगे तो ऑटोमेटिकली आपका भी ग्रुप ग्रो होगा। जितने ग्रुप की रिकमेंडेशन आप अपने ग्रुप की सेटिंग में जाके चेंज करेंगे तो उतने ही ज़्यादा चांसेस बनते हैं कि आपका ग्रुप जो है वहाँ जाके उनके ग्रुप के अंदर रिकमेंडेशन में आए एंड कुछ ज़्यादा चांसेस बन जाते हैं कि अगर उनमें से कोई भी एक ग्रुप ग्रो होता है तो उसके साथ ही साथ आपका भी ग्रुप ग्रो होने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस बन जाते हैं, जो कि मैं इस वीडियो के अंदर आपको बिल्कुल बारीकी से बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आप जो है इस चीज़ को काम में ले सकते हो। ये बिल्कुल फ्री है, आपको इसके लिए कुछ भी नहीं करना, फ्री एकदम फ्री तरीके से आप जो है अपने ग्रुप को रिकमेंडेशन में भेज सकते हो। दोस्तों, ये ट्रिक काफ़ी कम लोग यूज़ करते हैं क्योंकि शायद उनको इस चीज़ के बारे में पता नहीं है। अगर वो जानते भी हैं इस सेटिंग के बारे में तो उनको ये चीज़ पता नहीं कि रिकमेंडेशन में हमारा ग्रुप कैसे जाता है, क्योंकि अगर आप भी किसी ग्रुप को फॉलो करते हो तो आपके पास में काफ़ी सारे ग्रुप जो है रिकमेंडेशन में आते हैं, जैसे कि इंस्टाग्राम के ऊपर सजेस्टेड फॉर यू के अंदर प्रोफाइल्स आती है, उसी तरीके से फेसबुक ग्रुप के ऊपर भी जो है आपका ग्रुप भी रिकमेंडेशन में जा सकता है। ये कोई बड़ी बात नहीं है, बिल्कुल सिंपल सी ट्रिक है। तो इस वीडियो के अंदर हम इसी के ऊपर बात करने वाले हैं। अगर वीडियो के ऊपर नए हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करे बिना बिल्कुल भी मत जाना। सो गाइस, मेरा नाम है शीशराम चौधरी, आप देख रहे हैं जेपो नॉलेज। चलिए शुरू करते हैं। तो गाइज, अभी मैं चलता हूँ मेरे मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पे एंड आपको पूरा बिल्कुल अच्छे तरीके से समझाने वाला हूँ कि किस तरीके से आप जो है इस चीज़ को काम में ले सकते हो एंड ये बिल्कुल फ्री तरीका है जो आप यूज़ करके अपने ग्रुप को रेकमेंडेशन में भेज सकते हो, ऑटोमेटिकली अपने ग्रुप को आप प्रमोट कर सकते हो। सो गाइज, वीडियो के ऊपर पूरा एंड तक बने रहना। तो मैं चलता हूँ अभी मेरे मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन के ऊपर एंड आपको ये काम अपने ग्रुप के अंदर करना है, जो कि ग्रुप की सेटिंग्स के अंदर करना है। बट इसके लिए आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी होगी कि जो हमारे फेसबुक की मेन एप्लीकेशन होती है वही आपको जो है यहाँ काम में लेनी है। अगर आप फेसबुक लाइट वगैरह ऐसी एप्लीकेशंस काम में लेते हो तो आई थिंक ये रिकमेंडेशन में जाने का ग्रुप का जो भी प्रोसीजर है सारा वो प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं कर पाएगा। तो मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि आप फेसबुक की मेन एप्लीकेशन यहाँ आप यूज़ कीजिए। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं। आप यहाँ मेरे मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन की रिकॉर्डिंग देख रहे होंगे किस तरीके से आपको जो है सारी सेटिंग मैनुअली ऐड करनी है। तो अभी आपको चले जाना है फेसबुक के ऊपर एंड जैसे यहाँ फेसबुक के ऊपर जाते हो तो आप यहाँ देख सकते हो पूरा आपका जो भी सजेस्टेड का पेज होता है वो आप यहाँ देख सकते हो। ठीक है, मतलब आपको पूरा अपना यहाँ फीड दिख रहा है फेसबुक का। इसके बाद में दोस्तों आपको सेकंड वाले ऑप्शन के ऊपर आके अपने ग्रुप के अंदर चले जाना है एंड दोस्तों ये काम आपको अपने जो आप ग्रुप के अंदर एडमिन बना रखा है, आपने जिन भी लोगों को मॉडरेटर बना रखा है उन लोगों को भी कह के आपको ये काम करवाना है, क्योंकि आप इतने ग्रुप्स को एक साथ हैंडल नहीं कर पाओगे। तो आपके जितने भी एडमिन हैं अलग अलग ग्रुप में वो भी जो इस चीज़ को हैंडल करते हैं तो शायद वो भी इस चीज़ को कर सकते हैं एंड क्या पता उनका कोई सा ग्रुप जो रेकमेंडेड में डाला हुआ है वो ग्रुप ही रैंक कर जाए। तो चलिए, आपको यहाँ देख रहा हूँ मेरा ग्रुप जो है ओपन हो चुका है, यूट्यूब जयपुर नॉलेज के नाम से मेरा ग्रुप क्रिएट किया हुआ है एंड इसके बाद में यहाँ सेटिंग के ऊपर आपको स्टार का जो बटन दिख रहा है इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है एंड जैसे आप यहाँ जाते हो आपकी ग्रुप सेटिंग के अंदर, ठीक, आपको कोई सी भी सेटिंग यहाँ नहीं छेड़नी है, सीधा अपने ग्रुप की सेटिंग के ऊपर जाना है एंड तो गाइज आपको यह करना है सबसे लास्ट में आप यहाँ देख सकते हो लिंक ग्रुप एंड पेज लिखा हुआ है। ठीक है, मतलब आप अपने ग्रुप के अंदर जो है काफ़ी सारे अदर ग्रुप को लिंक कर सकते हो एंड काफ़ी सारे पेजेस को लिंक कर सकते हो, जिसके चलते वो जब ग्रो होंगे तो आपके भी चांसेस बन जाएंगे ग्रुप का ग्रो होने का। तो आपके अभी यहाँ देख सकते हो मेरे ग्रुप के ऊपर जो है मैंने 23 ग्रुप्स को ऑलरेडी लिंक किया हुआ है और ग्रुप और पेज जो है पेज आप देख सकते हो मैंने एक भी पेज को जो है लिंक नहीं किया हुआ है एंड जो भी मेरे ग्रुप लिंक किए हुए हैं वो सारे ग्रुप की लिस्ट आप यहाँ देख सकते हो एंड सारे अच्छे अच्छे ग्रुप, ठीक है, सारे अच्छे अच्छे ग्रुप आप यहाँ देख सकते हो कि काफ़ी कई ग्रुप तो जो है 182,583 फॉलोअर है। ठीक है, एंड कई ग्रुप के अंदर आप देख सकते हो कि काफ़ी ज़्यादा मेंबर्स हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको क्या करना है, यहाँ प्लस के आइकन के ऊपर जो है क्लिक करना है एंड नीचे आपको दिख रहा होगा रेकमेंडेड एग्जिस्ट ग्रुप, ठीक है, इसके ऊपर आपको क्लिक कर लेना है एंड जितने मेरे ग्रुप जो है जिनके अंदर मैंने ज्वाइन हो रखा है, ठीक है, अभी मैं जो है मेरी ये वाली प्रोफाइल जो है फेसबुक आईडी वो 239 ग्रुप्स के अंदर ऐड हुई है। ठीक है, और अभी आप यह देख सकते हो सी ऑल पे देख के क्लिक करके आप जो है सारे ग्रुप की लिस्ट देख सकते हो कि मैं कौन कौन से ग्रुप के अंदर जो है ज्वाइन हो रखा हूँ। तो अभी चलिए दोस्तों, मैं आपको ये ऊपर जो तीन टॉप के ऊपर दिख रहे हैं इन्हीं ग्रुप्स के अंदर जो है ज्वाइन होकर दिखाने वाला हूँ। तो इनके मेंबर्स आप यहाँ देख सकते हो हंसो और हंसाओ ग्रुप जो कि स्टार्टिंग में ही है, इसके ग्रुप के आप देख सकते हो 27,617 मेंबर्स है। ठीक है, तो रेकमेंड के ऊपर आपको क्लिक कर देना है एंड जैसे आप रेकमेंडेड के ऊपर क्लिक करोगे तो आपके पास में लिखा हुआ आ रहा है रेकमेंडेड। ठीक है, मतलब आपका ग्रुप जो है वो रेकमेंडेशन में जाने के लिए
प्रॉपर हो चुका है इस ग्रुप के रिकमेंडेशन के अंदर। ठीक है, तो अभी आप यहाँ क्लिक करके हम देख सकते हैं रिफ्रेश करके कि जो हमारा ग्रुप है जो अभी हमने रिकमेंडेशन में डाला है वो आया है कि नहीं। ठीक है, अभी आप यहाँ जस्ट ऊपर देख सकते हो कि मेरा ग्रुप जो है हंसो और हंसाओ वो रिकमेंडेशन में आ चुका है, मतलब मेरे ग्रुप के काफ़ी ज़्यादा चांसेस बन जाएंगे कि इस ग्रुप के जो भी पेज को इसको फॉलो करेगा, ठीक है, उसके अंदर मेरा ग्रुप भी जो है रिकमेंडेशन में जाएगा। तो इस तरीके से इस ट्रिक को मैं यूज़ करके मेरे ग्रुप को जो है काफ़ी अच्छे लेवल पर पहुँचा सकता हूँ, एंड इस चीज़ को आप भी यूज कर सकते हो, काफ़ी फ्री है ये, बिल्कुल फ्री है। तो मैं आपसे मेन यहाँ बात करने वाला हूँ काफ़ी इंपॉर्टेंट थिंग के बारे में बात करने वाला हूँ, जो कि मैंने मेरे YouTube चैनल के ऊपर जाके देखा कि 81% जो है लोग मेरी वीडियोस को फॉलो करते हैं, देखते हैं, बट लाइक नहीं करते, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। तो यार आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप हमें इस वीडियो के कॉमेंट बॉक्स में या फिर किसी भी वीडियो के कॉमेंट बॉक्स में जाके आपका टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कोई भी सवाल होता है तो आप हमें पूछ सकते हैं। एंड डिस्क्रिप्शन के अंदर, वीडियो के डिस्क्रिप्शन पार्ट में जो है हमारे इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ है, जहाँ जाके आप हमें फॉलो कर सकते हैं एंड हमारे को DM कर सकते हैं, आपको पूरा 100% सर्टिफिकेशन वाला जवाब मिलने वाला है। सो गाइस, अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।